नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। केरला स्टोरी फेम अदा शर्मा आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में चलिए आज के वीडियो में आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। मुंबई में जन्मी अदा शर्मा के पिता तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उनकी माँ केरल की रहने वाली है। एक्ट्रेस ने अपनी स्कूलिंग मुंबई की ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल से की है। बता दें कि अदा शर्मा बचपन से ही एक्ट्रेस और मशहूर डांसर बनना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जी हाँ, एक्टिंग लाइन उन्होंने ज्वाइन कर ली। वहीं एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस डांस की भी शौकीन है। एक्ट्रेस ने मुंबई से कथक डांस सीखा है। इतना ही नहीं, अदा ने डांसिंग को लेकर उनका ये पैशन इतना खतरनाक है कि उन्होंने अमेरिका से बेली, सालसा और जैज डांस फॉर्म्स में भी ट्रेनिंग ली है। अदा डांस के अलावा एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी है। वहीं अदा शर्मा ने साल 2008 में हॉरर फिल्म 1920 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस हॉरर फिल्म में उन्होंने लीजा नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म में अदा के काम को काफी पसंद किया गया। फिल्म 1920 के बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में साइड रोल निभाए। अदा शर्मा ने 15 सालों में कई फिल्मों में काम किया। कमांडो 3, हंसी तो फंसी, हार्ट अटैक जैसी फिल्में इसमें शामिल हैं। लेकिन कोई भी फिल्म बड़ी हिट साबित नहीं हुई। ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। अदा ने कई वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है, लेकिन उन्हें तब तक कोई भी खास पहचान नहीं मिली थी। लेकिन जो प्यार और पहचान अदा को फिल्म द केरला स्टोरी से मिली, वो किसी भी फिल्म से नहीं मिली। उनके करियर की ये पहली फिल्म थी जिसने बेशुमार सफलता हासिल की। फिल्म धर्म परिवर्तन के विषय पर बनाई हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही अदा के चाहने वालों की लिस्ट लंबी हो गई। वहीं बात करें अदा शर्मा की नेटवर्थ की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदा शर्मा की कुल संपत्ति 10 करोड़ रुपए से अधिक है। अदा शर्मा मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट में रहती है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए स्टोरी हाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।